नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ बचाने का एक्शन प्लान तैयार, सीएम धामी ने कहा केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। 603 इमारतों में दरारें, 70 परिवार को हटाया। जोशीमठ भूदशा मामले में एक्शन में उत्तराखंड सरकार, 8 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों के साथ सीएम धामी की बैठक। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे जायजा। देवनगरी जोशीमठ खतरे की जद में, कांग्रेस सहित अन्य दलों के विरोध के चलते गरमाई सियासत। केंद्रीय टीम लगाएगी दरारों और भूदशाव के कारणों का पता। काशीपुर दौरे पर प्रवीण तोगड़िया, हिंदुओं और जोशीमठ को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा देश में सुरक्षित नहीं हिंदू परिवार, विकास के साथ पर्यावरण को भी बचाना सरकार की जिम्मेदारी। और उत्तराखंड में पहाड़ में मैदान तक कड़ाके की ठंड, सोमवार को गुनगुनी धूप के चलते ठंड से महसूस की गई कुछ राहत। ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी और वर्षा होने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर पर जमीन में समाने का खतरा हर घंटे के साथ बढ़ता ही जा रहा है। बीते 48 घंटों में जमीन धंसने से टूटे मकानों की संख्या 561 से बढ़कर 603 हो गई है। जोशीमठ के 4 वार्डों को असुरक्षित घोषित करते हुए जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें तत्काल खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि अब सभी हिल स्टेशन की कैरिंग कैपेसिटी का आकलन कराया जाएगा। यदि कोई शहर कैरिंग कैपेसिटी की पार कर गया है तो वहां निर्माण कार्यों पर व्यवस्थित तरीके से रोक लगाई जाएगी। अब वहीं एनडीएम की बैठक में सीएम धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जोशीमठ को लेकर विस्तार से बात की है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। सीएम धामी ने कहा कि ये समय अनावश्यक बातें करने का नहीं, बल्कि एक टीम के रूप में मिलकर जोशीमठ के जानमाल का नुकसान और शहर को बचाने का समय है। इस पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है। सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि सभी इस प्रकार की सहायता यहाँ पर करेंगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस डोन में आ रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को। जोशीमठ के वार्ड नंबर 5 के मनोहर बाग स्थित एक परिवार का आशियाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण मनोहर बाग में काफी हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि यहाँ एक पीड़ित परिवार का आशियाना कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकता है। पूरे आशियाने में मोटी मोटी खतरनाक दरारें आ चुकी है, जिस आशियाने में रहना अब किसी खतरे से खाली नहीं है। पीड़ित परिवार ने पूरे आशियाने को खाली कर दिया है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इस आशियाने में रहने वाले बुजुर्गों का कहना है कि वे लोग अपने घर वालों को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़ी बात ये है कि इस आशियाने में रहने किसी खतरे से खाली नहीं। जोशीमठ का कोई घर ऐसा नहीं है कि जो भूदशाव की चपेट में नहीं आ गया होगा। हर घर में, हर मकान में, हर होटल में, हर दुकान में दरारें आ गई है। लोग दहशत की माहौल में हैं और लोग इतनी की सर्द रातों में सड़कों में गुजारा कर रहे हैं, जब घर में रहने लायक नहीं है। अचानक ये दरार बताने लगी, भयंकर के भयंकर। हम जब सब देखा, सब होना, सब सब सामान पकड़ी और भय भराए कि तुम धरती। दिन प्रतिदिन हमारे घर टूटने के कगार में है और हम धामी सरकार से भी चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी कोई व्यवस्था करे। शासन प्रशासन की तरफ से हमें कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ। उन्होंने हमको मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे 2-3 बार मैंने रिपेयरिंग किया, वो भी काम नहीं आया। फिर जब वो 10 तारीख को, पिछले महीने दिसंबर 10 तारीख को मैंने SDM साहब को रिपोर्ट की, तब पटवारी आए थे, तब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई तुम इसको छोड़ दो। मैंने जाए कहा, जाए तो जाए कहा।
अब दो परिवार हैं, एक भाभी जी है मेरी विधवा है और एक हम है। अब जाए कहा, बच्चे परसों में छोड़ा है देर दिन, मेरे तो मैं क्या प्रेरणा देने को यहाँ नहीं रखा मैंने। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वार्ड संख्या 5 में मनोहर बाग में, जहां पर लगभग कई परिवारों के घरों में मोटी मोटी दरारें यहां पर देखने को मिल रही है, और जिस कारण मनोहर बाग में इस वक्त काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार यहां के जो पीड़ित परिवार हैं वो लोग इस वक्त काफी खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। मैं अंदर का नजारा दिखाने वाला हूं, किस तरह का यहां का अंदर का जो माहौल है वो किस तरह का यहां पर दिखाई दे रहा है। अंदर पूरा दरार से देख सकते हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, वहां पर करने वाली तस्वीरें हैं, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, दीवार पूरी तरह से दरारों से पड़ी हुई है। कभी भी इस घर में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। अंदर का जो नजारा है वो बहुत ही खतरनाक नजारा है, देख सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर दरारें यहाँ पर देखने को मिल, पूरा जमीन फट चुका है, देख सकते हैं, भयानक तस्वीरें हैं, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें कहूंगा मैं, ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त इस वक्त मनोहर बाग में तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, जिस कारण यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनमें इस वक्त काफी दहशत का माहौल बन चुका है। लगातार स्थानीय लोग शासन और प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कहीं भी न्याय नहीं मिला। मैं बाहर का नजारा नहीं करने में साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा बाहर दिखाएं जो मकान का जो नजारा है, ये देख सकते हैं पूरा लाखों की जो संपत्ति है वो किस तरह से यहाँ पर इस वक्त बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है, ये देख सकते हैं मनोहर बाग का नजारा है। सामने की आप मैं दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं मनोहर बाग है ये, और वार्ड संख्या 5 है ये। यहाँ पर दर्जनों परिवार ऐसे हैं जो इस वक्त पूरी तरह से यहाँ पर खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। कैमरामैन साथी लक्ष्मण बुटोला के साथ नवीन सिंह जोशीमठ। देवनगरी जोशीमठ में एकमात्र मंदिर भगवान ज्योतिष ईश्वर महादेव जी का है, जहां आपको बता दें कि ये मंदिर 12 महीनों भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर में आए दिन भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। अब भू धसाव के कारण भरने से साथ साथ मंदिर में भी दरारें आना शुरू हो गया है, जिस कारण शिव भक्तों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि मंदिर के गर्भगृह से लेकर चारों तरफ मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, जिस कारण मंदिर को भी अब खतरा बना हुआ है। बताया जाता है कि मंदिर हजारों वर्ष पूर्व में बना हुआ है और इसकी स्थापना स्वयं स्वामी शंकराचार्य जी ने की थी। देश भर में 4 मठ हैं, 4 पीठ, 4 दिशाओं को आधार बना के, उसमें उत्तर दिशा का मठ ज्योतिर्मठ है, जिसमें आपदा के कारण यहाँ भी दरारें आ गई हैं। जो हमारा मुख्य द्वार है वो धसने को हो गया है काफ़ी, और उसके बगल में भी दरारें आ गई हैं। हम लोगों ने सोचा था कि ऊपर जो तोटकाचार्य गुफा परिसर है वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल सुबह हम लोगों ने वहाँ देखा, वहाँ भी दरारें आ गई हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। इसके ठीक होने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है और पूरे विश्व में देवभूमि के नाम से उत्तराखंड की विशेष पहचान है, लेकिन उत्तराखंड के बाहर प्रदेश में रह रहे लोग अब तक देव डोली शोभा यात्रा पहुंचकर जहां उन्हें आशीर्वाद देने वाली है, तो वहीं जग के कल्याण के उद्देश्य से इस देव डोली शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। 8 जनवरी को देहरादून में शुरू हुई माँ धरी देवी एवं भगवान नागराजा देव डोली शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम लोगों ने किया। ये देव डोली शोभा यात्रा डोईवाला के सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर में पहुंची, जहां मंदिर में भक्तों ने डोली यात्रा का श्रद्धा भाव के साथ फूलमालाओं से स्वागत किया। आज हमारे सिद्धपीठ शक्तिमन मंदिर में श्रीनगर से माँ धारी का आवागमन हुआ और उनका स्वागत सत्कार भक्तों के द्वारा किया गया, मंदिर समिति के द्वारा किया गया और पूजा अर्चना की गई। वेद मंत्रों के द्वारा माँ का स्वागत सत्कार तिलक किया गया और यही प्रार्थना की गई कि समस्त क्षेत्रवासियों का कल्याण हो, माता रानी अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखे। ये डोली सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर ट्रस्ट में पहुंची है। आप सबने पूजा अर्चना के लिए प्रदेश की खुशहाली के लिए माता से प्रार्थना करी है। आपको पता है कि विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से गुजर रहा था, आप दोबारा कोरोना आने की संभावना बढ़ी, कोरोना से कोरोना को भगाने के लिए, सुख शांति के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए और कोई ऐसी वैश्विक आपदा न आए, माँ भगवती से प्रार्थना करिए, सब खुशहाल रहे। जो है मध्य प्रदेश में 26 जनवरी को देवडोली मध्य प्रदेश में श्री नर्मदा जी में
माँ भगवती प्रातःकाल स्नान करेगी और साथ में भगवान श्री नागराजा उसमें दिव्य स्नान लेंगे, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड की संस्कृति है, संस्कृति और संस्कार देवी देवताओं पर टिके हैं, ये आप भी मानते हैं और पूरा विश्व इसको मानता है। डोईवाला विकास खंड कार्यालय में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए खंड विकास अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजते हुए सरकार की NMMS व्यवस्था का विरोध किया। प्रधानों का कहना है कि कई ग्राम पंचायतों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, साथ ही 15वें वित्त की धनराशि का आज तक ग्राम पंचायत को वितरण नहीं हुआ है। कोरोना प्रोत्साहन के रूप में 10,000 की राशि की घोषणा भी पूरी नहीं होने से नाराज ग्राम प्रधानों ने कहा कि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे जो ये ब्लॉक है इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी जो है बहुत कम रहती है। अब माना उस ग्राम सभा में 5-6 जगह अगर काम चल रहे होंगे तो अभी तो कोई नियुक्ति नहीं हुई है कि उसको करेगा कौन। दूसरी बात यह है कि अगर हो भी गई, माना किसी एक आदमी को रख दिया गया, तो वो कहाँ कहाँ उसको जाएगा, और मोबाइल कनेक्टिविटी होगी तो काम कैसे कर पाएगी लेबर, किस तरह से काम हो पाएंगे, और वो रोज होना है और दो टाइम होना है सुबह। राज्य सरकार जो ताना था ये कि 1 तारीख से इन्होंने बगैर पंचायत को या किसी को सूचना दिए बगैर 1 तारीख से इन्होंने जो है ऑनलाइन जो वो भर्ती क्या बोलते मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको इन्होंने जो है लागू कर दिया, जबकि उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं की, ना कोई किसी को ट्रेंड किया, ना हमें जानकारी दी, और सीधा 1 तारीख से जबकि हमारे पहले वाले काम सुचारू रूप से चल रहे थे, अब 1 तारीख से सबके सब काम बंद है क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम जो किया हुआ है उसमें ऑनलाइन जो है सुबह एक बार हाजिरी और एक बार शाम को हाजिरी देनी है, दो टाइम हाजिरी देनी है, उसके लिए ना तो व्यक्ति कोई ट्रेंड किया हुआ, ना कोई वो, क्योंकि एक पंचायत में अगर 10-10 भी काम चल रहे होंगे तो 10 जगह एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा। देहरादून में ICC मीडिया कार्यशाला एवं स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम पैसिफिक होटल में शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कामों से लोगों को जागरूक करना है। सभी जगह के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह, निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर सरोज नेथानी, प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज आशुतोष सयाना मौजूद है। देवनगरी जोशीमठ इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है। चारों तरफ दिखाई दे रहा है तो बस दीवारों में पड़ी मोटी मोटी दरारें। पूरे जोशीमठ में कोई ऐसा आशियाना नहीं है जिस आशियाने में मोटी मोटी दरारें देखने को नहीं मिल रही हो। आपको बता दें कि जोशीमठ के अधिकांश वार्डों में काफी खतरा बना हुआ है, जिस कारण जोशीमठ देवनगरी में दहशत का माहौल बना हुआ है। जोशीमठ के स्थानीय लोगों विगत कई दिनों से तहरीर प्रांगण में धरने पर बैठे हुए हैं, जहां पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब तक जोशीमठ के नगरवासियों की समस्या पूरी नहीं होती तब तक वे लोग लगातार जोशीमठ के तहसील प्रांगण में धरने पर यूं ही बैठे रहेंगे। जीत और चिंता एक ही शब्द से दूर हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि हर किसी की सुरक्षा की जाएगी, हर किसी का विस्थापन किया जाएगा जहां जरूरी होगा, सम्मानपूर्ण विस्थापन किया जाएगा, जो नुकसान हो रहा है उसकी पूरी प्रतिपूर्ति होगी, चाहे वह आवासीय नुकसान है चाहे व्यावसायिक नुकसान। पूरा जोशीमठ दरक गया है, दरारें आ गई हैं, घर रहने लायक नहीं है। एकमात्र विकल्प है कि लोगों को ऑन टाइम सेटलमेंट यहाँ पर कराया जाए। अब 4,000 रुपये किराया दे करके क्या ये क्षतिपूर्ति होती है क्या? अब तो बार बार मीटिंगें करना, ये करना, इसका क्या औचित्य? आप तो निर्णय करने का समय, आप तो निर्णय हो, निर्णय में ये हो कि लोगों को घर के बदले घर, खेत के बदले खेत, मकान के बदले मकान। क्योंकि देखिए कहना बड़ा आसान है कि हम 4,000 रुपये किराया दे देंगे, एक व्यक्ति जो अपना घर छोड़ के जाएगा वो कहाँ जाएगा उसके लिए जानना जरूरी है। किस स्थिति में, कौन सी जगह पर उसके घर को बनाने के लिए क्या सरकार आर्थिक सहायता देगी या किस तरीके से उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा, ये सारी जानकारियां जरूरी है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा वो ये है कि जिस तरीके की क्षति पूरे शहर को, शहर के लोगों को पहुंची है, वो आर्थिक क्षति को किस तरीके से सरकार पूरा करेगी, इसके इसका भी डिफाइंड प्लान होना चाहिए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर दौरे पर रहे। नैनीताल जाते हुए कुछ वक्त के लिए जिले के काशीपुर में रुके प्रवीण तोगड़िया का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसलिए पूरे देश में हिंदुओं को जगाने के लिए घूम रहे हैं। तोगड़िया ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली में श्रद्धा राजौरी में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का उदाहरण दिया। आगामी वर्ष में होने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रवीण तोगड़िया चुनाव लड़ता नहीं, चुनाव लड़वाता है। देश में हिंदू सुरक्षित नहीं। अब तक कश्मीर में टारगेट किलिंग होता था, राजौरी में एक ही परिवार के 6 लोगों को मार दिया, एक बूढ़ी माता ही बची। कोई दिल्ली में श्रद्धा सुरक्षित नहीं है, कोई उदयपुर में कन्हैया सुरक्षित नहीं है, और कर्नाटक में कोई प्रवीण नेतारू और हर सुरक्षित नहीं है। तो लग रहा है कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। प्रवीण तोगड़िया चुनाव लड़ाता है, खुद लड़ता नहीं। लेकिन चर्चा है बनारस से चुनाव लड़ने की आपकी? चर्चा है तो अब मीडिया वाले करते रहते हैं। जोशीमठ की स्थिति बहुत बुरी है और उनका कारण पर्यावरण की चिंता किए बिना विकास। तो विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण भी बचना चाहिए, और पर्यावरण के बिना विकास करेंगे तो विनाश होगा। उत्तराखंड के काशीपुर में पिछले 3 माह से विकास कार्यों के टेंडर होने के बावजूद वर्क ऑर्डर नहीं होने से गुस्साए पार्षदों ने आज नगर आयुक्त और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान पार्षद संघ अध्यक्ष धरना प्रदर्शन से नदारद रहे। पूरा मामला ये है कि पिछले 1.5 साल से टेंडर नहीं हुए थे। अभी 17-11 को टेंडर हुए थे, जिसको लगभग 2 महीने पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर नहीं मिले हैं। और दूसरा, जब भी कभी टेंडर होते थे तो 1 हफ्ते के अंदर वर्क ऑर्डर होकर काम शुरू हो जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि टेंडर होने के बावजूद हम रोड नहीं बनवा पा रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे पा रहे। आज हम ये सांकेतिक धरने पर बैठे हैं कि आप वर्क ऑर्डर कब देंगे, कब ये रोडें शुरू होंगी, कब नेक्स्ट टेंडर होंगे। देखिए, आज यहाँ पे पार्षद संघ प्लस 48 के 48 पार्षद हर वार्डों का नेतृत्व करते हैं, और हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो अभी कोई धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों पे काम चल रहा है। आगे चुनाव है, जितनी सड़कें बननी है, नालियां बननी है, पार्क बनने सिर्फ कागजों में है। 13 करोड़ के टेंडर निकल चुके हैं, ना अभी तक ठेकेदारों को इन्होंने काम दिया है। सिर्फ कह रहे आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। वार्डवासी परेशान है, जनता त्रस्त त्रस्त हो चुकी है, तो उसी को लेके आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने MNA साहब से भी कहा है कि अगर आप अभी तुरंत आज ये वर्क ऑर्डर निकालें, नहीं तो सारे पार्षद संघ जो है पार्षद संघ प्लस पार्षद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में 8 जनवरी को 7 अज्ञात बदमाशों ने सिडकुल स्थित फाइन ऑटोमोटिव कंपनी में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड को मारपीट कर बंधक बनाया था और हथियारों के दम पर करीब 40 लाख रुपए की एल्यूमिनियम रेडिएटर, एल्यूमिनियम का अन्य सामान लूट के संबंध में मात्र 12 घंटों के भीतर ही वारदात को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में SSP अजय सिंह ने किया। फैक्ट्री का करीब 35 लाख का जो माल था वो उसको रेडी पे ले आकर उन्होंने अन्यत्र जगह कबाड़ की दुकान में छिपा दिया था। क्योंकि सूचना प्रातः ही मिल पाई थी जब वो लोग पहुंचे थे, तो पहुंचने के बाद तत्काल हमारे उच्च अधिकारी के और टीमों ने जो है इस पर वर्क किया, और इसमें कुछ ही घंटे बाद हमने माल को ट्रेस कर लिया था। उसके बाद ही अभियुक्त लोगों की जानकारी मिल गई थी। इस पर सूचना पर दबिश देकर विभिन्न स्थानों से 4 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया। 4 लोग मूल रूप से गंगोह सहारनपुर के रहने वाले हैं। इसको रेकी करने के बाद सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया।
अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट में ग्राम प्रधान और उसको देखते हुए रविदत्त खतवाल समेत विकास खंड ग्राम प्रधानों ने एसडीएम सल्ट गौरव पांडे के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार ज्ञापन भेजा, जिसमें बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत एनएमएमएस के माध्यम से उपस्थिति को विरोध बढ़ता जा रहा है। जगह जगह ग्राम प्रधान इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य में मनरेगा के अंतर्गत एनएमएमएस के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। विकास कंसल्ट में प्रधान संगठन अध्यक्ष रविदत्त खंतवाल ने प्रधानों के साथ मिलकर इसका पुरजोर विरोध किया। ऐसा है कि हमारे भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है यहाँ पे कि एक गांव में नेटवर्क आते एक गांव में नेटवर्क नहीं आते। हमारे सल्ट क्षेत्र में 138 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें कि अधिकतर ग्राम पंचायतों में सिग्नल नहीं आते, नेटवर्क नहीं आते, लेकिन भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एक जियो पास कर दिया जो कि 1 तारीख से शुरू हो गया है और उसमें नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। फोटो पहले खींच जाएगी, ऑनलाइन उनकी जो है हाजिरी भरी जाएगी, तो उसमें अधिकतर जिन गांव में नेटवर्क नहीं आता वो लोग क्या करेंगे। तो उसको हटाने के लिए कि हमारे यहाँ भी भौगोलिक स्थिति के उसमें नहीं हो सकता है परिवेश में। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कर सकती है उत्तराखंड का दौरा। उत्तराखंड में प्रकृति से हो रही छेड़छाड़, उमा भारती का कहना है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की मंत्री रह चुकी उमा भारती उत्तराखंड में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सभी प्रोजेक्ट तत्काल रद्द किए जाए। पावर माफिया पूरे देश को बर्बाद कर सकते हैं, साथ ही उमा भारती ने उत्तराखंड का दौरा करने का भी ऐलान किया। उमा भारती ने कहा इस पर परियोजनाओं की स्वीकृति पर्यावरणविदों को मैनेज करके ली जाती है। मैं जोशीमठ जाऊंगी और शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ को नष्ट नहीं होने देंगे। जोशीमठ संकट को लेकर उत्तराखंड सरकार की 8 सदस्यीय कमेटी की आई रिपोर्ट। प्रभावित लोगों को तत्काल विस्थापित करने की दी गई सलाह। जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा उन्हें गिराकर उसका मलबा हटाने की सलाह। जेपी कॉलोनी में मारवाड़ी ब्रिज तक सैंपल इकट्ठे किए गए क्योंकि यहीं तक था पानी का फ्लो। जोशीमठ भूदशा मामले में उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक ली। दीर्घकालीन उपायों के तहत जोशीमठ की जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल जैसे होंगे अध्ययन। मंगलवार को जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी से ले चुके हैं जानकारी। प्रधानमंत्री कार्यालय इस विषय पर उच्च स्तरीय बैठक कर चुका है। जोशीमठ भूदसाव का मामला। जोशीमठ के लिए पिटकुल की टीम का दौरा। बिजली लाइनों पर प्रभाव का करेगी अध्ययन। एमडीपीसी ध्यानी ने नेतृत्व में टीम हुई रवाना। बिजली की लाइनों पर पड़ने वाले प्रभाव का किया जाएगा अध्ययन और विश्लेषण। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर भी विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। आपदा से अगर ट्रांसमिशन की लाइनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तो समय से उसका होगा रखरखाव।